पंडित जी से बात करेंगे कि रूप चतुर्दशी और नरक चौदस एक ही दिन मनाया जाता है और क्यों। पंडित जी, एक ही दिन होता है, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं और नरक चौदस भी कहते हैं, क्या है दोनों में अंतर और एक ही दिन क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो आपको नरक चतुर्दशी बताई देते हैं। नरक चतुर्दशी का जो तात्पर्य है, नरकासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने उस समय काल में जितने राजा इस संसार में पाए जाते थे उनमें से हर राजा की एक पुत्री को अपने यहाँ अपहरित करके लेकर आया था। तो उन लड़कियों की जो बच्चियों की संख्या थी वो 16,100 की संख्या थी जिसको उसने अपने कारागार में बंद करके रखा हुआ था। ऐसी मान्यता थी कि वो हर दिन एक बच्ची को की बलि देता है और पहले उसके साथ दुष्कृत्य करता है फिर उसकी बलि दे देता है। भगवान कृष्ण को पता लगा कि एक दुष्ट है, नरकासुर नाम का राक्षस है और उसने इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार कर रखा है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के यहाँ धावा बोला, उसके राज्य पर धावा बोला, उसका वध किया और 16,100 बच्चियों को मैंने राजकुमारियों को वहाँ से छुड़ाया। अब वो 16,100 जो राजकुमारियाँ वो कहती हैं अब हम कहाँ जाएँ, या तो आप हमसे शादी करो या हम आत्महत्या करते हैं। भगवान कृष्ण बड़े धर्म संकट में फंस गए। तब उन्होंने अपनी पटरानी रुक्मणी से पूछा कि आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। रुक्मणी ने सलाह दी कि प्रभु आप इनसे विवाह करें। फिर उसके बाद भगवान ने एक करके 16,100 रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ विवाह किया और वो उनकी रानियां कहलाई। इसलिए उनकी पत्नियों की संख्या थी 16,108। 8 उनकी पहले शादियां हो चुकी थी और 16,000 100 हुई। और आप देखिए यही कारण था यदुवंश जो है बहुत फला फूला, क्योंकि हर एक से एक एक दो दो बच्चे हुए और आप देखिए उसके उपरांत इतने सारे भगवान के पुत्र थे जो कि अंतोदगतवा बाद में आपस में ही लड़कर शांत हुए। तो आज के दिन चूंकि नरकासुर का वध हुआ था और वो नरक को प्राप्त हुआ था इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। एक और कहानी है नरक चतुर्दशी पे। आज मृत्यु के देवता यानी नरक के देवता यम का जन्मदिन भी होता है, उनका जन्म दिवस भी आज मनाया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। यदि आप आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, यम के द्वार पर आपको कभी भी नहीं जाना पड़ता। तो आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान यम आपसे प्रसन्न होंगे। तो नरक चतुर्दशी का दूसरा कारण ये था। तीसरा आपने पूछा रूप चतुर्दशी क्या होती है। रूप चतुर्दशी अर्थात भगवान आयुर्वेद ने आपको आयु तो दे दी, अब यदि आपके पास रूप नहीं होगा तो आप धन की देवी का उपभोग कैसे करेंगे। तो आपको रूप यानी यौवन प्राप्त करना होता है, तो आज रूप यानी यौवन को प्राप्त करने का भी दिन है, रूप चतुर्दशी कहा जाता है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों का विधान बनाया गया। आज के दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले कड़वे तेल से शरीर की मालिश की जाती है। सूर्योदय से पहले जब चंद्र उगा होता है, क्योंकि चंद्र अपने अंतिम पल में चल रहा है, अंतिम पल में चल रहा होता है क्योंकि अमावस्या में वो पूरी तरह से दिखना बंद होता है, तो चंद्र दिख रहा हो उस समय आप कड़वे तेल की अपने शरीर पर मालिश करें। उसके बाद आप उबटन लगाएं। उबटन लगाने का भी आज का दिन माना जाता है। उबटन इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल पाएँ और हम स्वच्छ प्राणवायु को अपने शरीर में ले जाएं, क्योंकि प्राणवायु हम न केवल अपने श्वसन यानी नाक से लेते हैं अपितु हमारे शरीर के रोम छिद्रों से भी हम लेते हैं। तो आज के दिन उबटन लगाया जाना चाहिए। उबटन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, दूध दही घी, इसके बाद उसमें हल्दी लगाई जाती है। तो इस तरीके से एक उबटन औषधीय काढ़ा होता है जो कि आप अपने शरीर पर मलते हैं, उबटन लगाइए। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो उसको बोलते हैं अपामार्ग। इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी सी झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो वो अपामार्ग का जो पौधा है जो इन्हीं दिनों में उगता है, तो आज उसको आप तोड़ लाइए। उसकी दातुन से आप सबसे पहले तो मंजन कर लीजिए, क्योंकि आपके मुँह में जितने भी कीटाणु हैं जो भी है वो सब नष्ट हो जाएंगे उसके दातुन से ब्रश करने। आप जैसे ब्रश करते हैं वैसे उसकी दातुन कर लीजिए और फिर उसी जड़ी से आप अपने ऊपर छिड़किए जल को। तो जब आप उसकी जड़ से जल को छिड़कते हैं तो आपके शरीर में जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं
जितने भी रोग आपके शरीर में पाए जाते हैं उन सारे रोगों से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमारे पुराणों की परंपरा है, हमारी ऋषिकुल परंपरा है, जिससे हम अपना यौवन प्राप्त कर पाते हैं। इसके पीछे कथा भी एक बड़ी सुंदर सी है, मैं आपको वो कथा भी सुनाई देता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक रंती देव नाम के राजा हुए। ये घटना है सतयुग की, और राजा रंती देव बहुत धर्मालु और बहुत दान वाले राजा थे। तो जब उनकी मृत्यु होने लगी तो दो यम के सेवक, यमदूत जिनको हम कहते हैं, तो वो उनके प्राण हरण करने आ गए। तो उन्होंने कहा मुझे तो स्वर्गारोहण करना चाहिए, यमदूत कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा महाराज एक बार जो है आपने एक ब्राह्मण को भूखा अपने घर से भगा दिया था। तो उन्होंने कहा भैया हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, हम तो स्वर्गारोहण करेंगे, कोई उपाय बताइए। तो कहले आप महाराज हम आपको तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक आप अपनी इच्छा से जाना नहीं चाहोगे। तो महाराज ने धर्म सभा बुलाई, सारे ऋषि मुनियों को बुला लिया, पूछा कि ये मेरे से गलती कैसे हो गई। तो सब ने उनको कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है तब तक आप व्रत करो और सुबह प्रातः काल अपामार की जड़ से आप जो है अपने ऊपर जल छिड़को और उसकी दातुन करो, कड़वा तेल लगाओ, ताकि आपने जो नकारात्मक चीज़ें अपने जीवन में की हैं उससे आपको मुक्ति मिल पाए। तो उन्होंने इस प्रकार से किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं व्रतधारी रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनसे जो अपराध हुआ था उस अपराध से मुक्ति भगवान यम ने दिलाई। इसलिए उस दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है, सुबह प्रातःकाल भी यम का दीपक लगाया जाता है और शाम को भी यम का दीपक लगाने का विधान है। 14 दीपक हम लोग लगाते हैं, 14 हम ऐसा मानते हैं कि हमारी 10 दिशाएं हैं और 4 भुवन हैं, तो 14 भुवन के निमित्त जो है 14 दीपक लगाए जाते हैं और एक चौमुखा दीपक जो कि दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ आप लगा सकते हैं, उस प्रकार से दीपक लगाने की विधा है। एक और छोटी सी कहानी है इसी में कि एक राजा हिरण्यगर्भ थे, उनके राज्य में एक ऋषि थे जो कि बरसों से तपस्या कर रहे थे और उसके चलते उनका शरीर कुरूप सा हो गया। नारद ऋषि वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, पूछा उन्होंने ऋषि ने कि प्रभु ये मेरा तो मैं तो कुरूप हो गया, इतनी मैंने तपस्या की उसका कोई फल ही नहीं मिला। तो नारद ऋषि के साथ एक बार ही घटना घट चुकी थी, वो खुद कुरूप हो गए थे। तो उन्होंने कहा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन आप शरीर में तिल का या सरसों का कोई भी कड़वा तेल लगाइए, उपटन लगाइए और अपामार की जड़ से आप अपने ऊपर जल का छींटा दीजिए, आप अपने रूप और यौवन को पा पाएंगे। तो रूप और यौवन को पाने का दिन है रूप चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी भगवान ने नरकासुर का वध किया, आज भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन भगवान कृष्ण की आप पूजा अर्चना करें, लड्डू गोपाल सबके घर में आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आज हनुमान जी का जन्मदिन भी माना जाता है जी, तो आज के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का भी विधान है। तो आज के दिन आप हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करिए, बढ़िया गुड़ चने का भोग लगाइए। तो आज के दिन आपको क्या क्या करना है, आपको पहले सुबह प्रातःकाल अपने आप को शुद्ध करना है, उसके बाद आपको यम के निमित्त दीपक लगाना है। और अच्छा, यम के निमित्त आपने जो दीपक लगाने के लिए दक्षिण दिशा की बात की, तो वो जरूर दर्शकों को बताइए कि यम का वास चूंकि दक्षिण दिशा में होता है, हम ऐसा मानते हैं जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसका सर दक्षिण की तरफ होता है जी, उसके पैर जो है वो दक्षिण की तरफ होते हैं और सर उत्तर की तरफ होता है। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज होते हैं, यम का वास होता है। तो दक्षिण दिशा में हमेशा दीपक लगाने का विधान है और पहला दीपक दक्षिण में लगाकर फिर सारी दिशाओं में दीपक लगाया जाता है, सुबह भी लगाते हैं और शाम को भी लगाते हैं। तो ये यम की दिशा में हमने दीपक लगाया, सुबह उठे और सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया, बिल्कुल, फिर यम का दीपक लगाया, बिल्कुल, और फिर हमने कृष्ण भगवान की लट्टू गोपाल की पूजा की हनुमान जी की पूजा की और शाम को पुनः यम की पूजा की जी, क्योंकि हमने उनके निमित्त दीपक लगाया, क्योंकि यम की मूर्ति हमारे घर में नहीं रखी जा सकती और उनकी मूर्ति रखने का विधान कहीं पर भी नहीं, तो उनके निमित्त हम केवल दीपक लगाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि दीपावली पे विशेष तौर पे घर पे सफाई जारी रहती है और महिलाएं चूंकि घरों में बहुत सफाई करती हैं, उसके बाद एक दिन जो रूप चौदस का दिन आता है उस दिन आप पार्लर जाएं या घर पे बेसन दूध दही से उपटन करें, अपने आप को शुद्ध और साफ करें,
और इस तरीके से रूप चतुर्दशी का पर्व मना सकते हैं। नरक चौतस का पर्व क्यों मनाया जाता है ये भी पंडित जी ने हमको बताया। ऐसे ही विशेष कार्यक्रम में हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।